मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सरकारी सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। एक ओर जहां पर पुलिया के अभाव में जिंदगी की अंतिम राह भी मुश्किल भरी हो गई, तो वहीं दूसरी ओर जुगाड़ का पुल बना करके नाला पार करने को लोग मजबूर हैं। पहली तस्वीर मंदसौर जिले के दलौला तहसील के मजेसरा नई आबादी गाँव की है, जहाँ पर दिवंगत के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को मुक्ति धाम तक जाने के लिए सोमली नदी को पार करना पड़ा। पुलिया नहीं होने से लोग नदी में उतरकर मुक्ति धाम तक जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हर साल मानसून से पहले ये परेशानी शुरू हो जाती है, जो नदी में पानी होने तक रहती है। नदी उफान पर होने के कारण कई बार अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये मुक्ति धाम सीधे पहुंचने का रास्ता है, जो गाँव से महज 500 मीटर दूर है। वहीं घूम करके जाने पर रास्ते की दूरी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है, लिहाजा लोग ज्यादातर इसी शॉर्टकट मार्ग का इस्तेमाल करते हैं और इसे सुगम बनाने के लिए कई सालों से मांग भी कर रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर अब जिले की है, जिसका नाम है शामगढ़ तहसील के सागुरिया गांव की तस्वीर, जहां पर एक नाला जब लोगों के खेतों की राह में मुश्किल बना, लोग अपने निजी खर्च से लकड़ी के जुगाड़ का पुल बना करके वहां पर रख दिया उन्होंने। अब ग्रामीण इस जुगाड़ के पुल पर चल करके सगुरिया और चांदखेड़ी गांव तक का सफर करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सही है? तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जुगाड़ के पुल के नीचे नाला बह रहा है, ऐसे में कभी भी यहाँ के लोग किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने कई बार नाले पर पुल बनाने की मांग नेताओं से की और अधिकारियों को बताया। खुद सांसद और विधायक भी इस पुल से ही गुजर चुके हैं, बावजूद किसी ने कुछ नहीं सुनी। ऐसे में ग्रामीण जुगाड़ का ये पुल जान को जोखिम में डाल सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके अलावा अगर सड़क मार्ग का सहारा लेते हैं तो 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है।